अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलात वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़ाना लक ज़िक्रक। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सईदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दें वो सईदे तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया राहजन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊँट पर अपने ग़ुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। मुझसे पहले आप फाजल नौजवान, हमारी जमात के नामवर ख़तीब जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, हज़रत मौलाना अमानतुर्रहमान उस्मानी साहब का जानदार शानदार ख़ताब सुन रहे थे। अल्लाह पाक इनको सेहत आजला कामला अता फरमाए। हजरत, आज के इस प्रोग्राम में मैं किस आका की शान पे बात करने लगा हूँ, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आप शेख साहब का ख़ताब सुन चुके हैं, जिसको खालिक ने ये शान दी है कि जब वो आका ज़मीन की पुश्त पे चला करते थे, बादलों के टुकड़े मेरे आका पे साए किया करते थे। अरे जो आका दरख्त को इशारा किया करते थे, वो अपनी जगह से उखड़ के आ जाया करता था। प्याले पे उंगलियां रखते हैं, खालिक के कायनात पानी जारी कर देते हैं। सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद तो उस पत्थर को भी जानता हूँ कि अभी दुनिया में मैंने नबूवत का ऐलान नहीं किया था। सही मुस्लिम में हदीस पाक है कि पत्थर खालिक के कायनात के हुक्म से मुझे सलाम करता था। अरे जिनकी जुदाई में खजूर का तना दुनिया में रोया था, जिनकी नबूवत की गवाही एक भेड़िए ने दुनिया में बोल के दी थी। मुस्नद अहमद की रिवायत का मस्जिद अल कासिया में सहारा लेना चाहता हूँ। एक यहूदी चरवाहा बकरियाँ चरा रहा था, अचानक एक भेड़िया आया, बकरी को छीन के ले गया। इसने पीछा किया, पत्थर बरसाए, बकरी छुड़ा ली। बकरी चरवाहे ने छुड़ा ली, वो भेड़िया एक टीले पर चढ़ गया। कहता है खालिक की तरफ से मुंह में रिजक आया था, तूने छीन लिया। कहता है ताज्जब की बात है, भेड़िया बोल रहा है। भेड़िया कहता है ताज्जब की बात ये नहीं, ताज्जब की बात तो ये है, सरजमीन अरब में एक नबी आया है दीन इब्राहिम लेके, जा उसका कलमा पढ़ ले, निजात पा जाएगा। अरे जिनकी नबूवत की गवाही एक भेड़िए ने बोल के दी थी, जिनको खालिक के कायनात ने इस कदर शान से नवाजा, मकाम से नवाजा, जो पैदा नहीं हुए थे, अल्लाह ने सबका पैगम्बरों की किताबों में उनकी शान को बयान किया। मैं सही बुखारी की उस रिवायत का सहारा लेना चाहता हूँ, हिर्ज़ल्लुमीन, महबूब आप इस धरती पे अनपढ़ लोगों के लिए पनागा हैं, अंता अब्दी व रसूली, आप तो दुनिया में मेरे बंदे भी हैं, रसूल भी हैं। समय तो कल मुतवक्किल, मैंने तेरा नाम मुतवक्किल रखा है। लई सब फजन वला गलीजन, मेरा आखिरी रसूल जो कायनात में खातमुन्नबीयीन बन के आएगा, उसकी शान ये है वो जिंदगी के किसी मोड़ पे बुराई का जवाब बुराई से नहीं देंगे। अरे ताइम में पत्थर बरसे, दुआ की अल्लाह मादे कौमी फ इन्नहुम ला यालमून। जब मक्का फतह हुआ,
बैतुल्लाह के दरवाजे में फाते बन के खड़े थे, सामने कौन थे जिन्होंने प्यारे खुबैब रज़ी अल्लाह तआला को सूली पर लटकाया था, प्यारे खुबैब रज़ी अल्लाह तआला को सूली पर लटकाया था, प्यारे खब्बाब को अंगारों पर लिटाया था, आले यासर पर जुल्म किया था। आज हादी बरहक ने जो ऐलान किया उनकी सीरत क्या है? ला तस्रीब अलैकुम अल्यौम, मैं मोहम्मद ने तुम सबको मुआफ़ कर दिया। आज फ्रांस के हुंडों ने जिस आका के खाके बनाए वो इतने अमन के दाई थे जिन्होंने मैदान जिहाद में भी ऐलान किया कि तुमने काफरों की औरतों को कत्ल नहीं करना, उनके बच्चों को कत्ल नहीं करना। अरे जो दुनिया में आए क्या मकाम लेके आए, आपसे पहले अंबिया आए, वो बस्तियों के कायद बन के आए, वो इलाकों के कायद बन के आए, वो कौमों के कायद बन के आए। लक़द अरसल ननूहन इला कौम ही, नू अलैहिस्सलाम क़ियादत का ताज पहन के आए, एक कौम की तरफ आए। व इला मदयना खाहम शुएबा, मदयन वालों के कायद शुएब अलैहिस्सलाम बन के आए। व इला आदिन खाहम हुदा, कौम आद के कायद हूद अलैहिस्सलाम बन के आए। अरे खातमुन नबीयीन आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक बस्ती के कायद बन के नहीं आए, इलाके के कायद बन के नहीं आए, किसी कौम के कायद बन के नहीं आए। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं अल्लाह की सारी मखलूक की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। वमा अरसलना का इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, कायनात के लिए बशीर व नज़ीर बन के आए। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन बन के आए। अल्लाह पाक रब आलमीन और काबतुल्ला हुदल्लिल आलमीन, आप रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए। अरे जिन्होंने पहले नबियों का इनकार किया, अल्लाह की बगावतें की, किसी पे अल्लाह ने आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा दी, किसी की शक्लों को बदल दिया, किसी को पानी की मौजों में गर्क कर दिया। सैयदुल कौनैन के ज़माने में इज्तमाई अजाब नहीं आया। क्यों? वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। अरे उनको अल्लाह ने क्या शान दी है, पहले नबी आए, नबुव्वत और रिसालत का ताज पहन के आए, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नबुव्वत और रिसालत के साथ खत्म नबुव्वत का ताज पहन के आए। मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकि रसूलुल्लाह व खातमुन नबियीन, आप खातमुन नबियीन बन के आए। इन रिसाला व नबुव्वा कद इन्कदत, अल्लाह ने नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला मुनक़ते कर दिया। फला रसूल अबादी वला नबिया, अब दुनिया में कोई नबी रसूल नहीं आएगा। जिब्राइल पहले आसमान से वही लेके आया करते थे, अब जिब्राइल भी ज़मीन पे नहीं आएंगे। हज़रत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब ख़त्म नबूवत में बात किया करते थे, एक मिसाल दिया करते थे, लोगों जब ट्रेन रावलपिंडी के स्टेशन से चलती है, लाला मूसा खारियाँ गुजरात सक्खर रोड़ी हैदराबाद, आखिरी ब्रेक कराची है, कराची से आगे तो पानी और समंदर है। अगर ड्राइवर ट्रेन को कराची से आगे चलाएगा वो पानी में जाएगी। जो आमना के लाल से आगे नबूवत चलाएगा काफर मुर्तद होकर जहन्नम में गिर जाएगा। आप खातमुन नबीयीन बन के आए। अरे उनकी शान क्या है, जिनके दरे अक्दस पे जिब्राइल अमीर फरिश्तों के सरदार बुराक लेके आए। सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पे सवार किया गया। अरे इस सफर का तज़किरा मेरे मालिक ने कुरान के पारों में यूं किया, सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, खालिक अपने महबूब को ले गए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। अंबिया इस्तकबाल कर रहे हैं आलन वसलन मरहबा, जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं सत बिस्मिल्लाह जी आया नू। वहाँ पे जब नमाज पढ़ाने की बारी आई, आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, नूह अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, खलीलुल्लाह मौजूद हैं, ज़बीहुल्लाह मौजूद हैं, रूहुल्लाह मौजूद हैं, जिब्राइल अमीन आगे बढ़े, सैयदुल कौनैन का बाजू
मुबारक पकड़ा, मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। आका इमाम हैं, आदम अलैहिस्सलाम उनके मुक्तदी हैं, आका इमाम हैं, नूह अलैहिस्सलाम उनके मुक्तदी हैं, आका इमाम हैं, ज़बीहुल्लाह भी मुक्तदी हैं, कलीमुल्लाह भी मुक्तदी हैं, रूहुल्लाह भी मुक्तदी हैं। अरे जिते होवे मुहम्मद हो ही नहीं सकता, कोई अग्गे खलोवे हो ही नहीं सकता। इकबाल तेरी कबर पर रब करोड़ों रहमतें नाजल करे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मोहब्बत में बोले, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते इला के बाद, दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे अल्लाह ने आपको दीन कामल दिया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीन अलहक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अरे आपको दीन कामल अता किया, अल्लाहु अकबर, अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन कामल लेके आए, ग़लबा इस्लाम का मिशन लेके आए, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीन अलहक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। गलबा दीन का मिशन, गलबा इस्लाम का मिशन लेके आए, सात तलवार लेके आए, बुइस्तो बिस सैफ, मैं मोहम्मद गलबा इस्लाम के लिए तलवार लेके आया हूँ, मार के करूँगा, अहले कुफर से टकराऊँगा, अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का दीन गालिब होगा। अरे रमज़ान का महीना लेके आए, लैलतुल कदर की रातें लेके आए, रब ने मक्का भी अता किया, मदीना भी अता किया। अरे शान क्या है सैयदुल कोनैन की, लोगों मक्का की बड़ी शान है। आज कासिया मस्जिद में एक बार शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कर जाऊं, मक्का की बड़ी शान है, मक्का में बैतुल्ला है, लोगों बैतुल्ला में नमाज पढ़ी जाए, एक लाख का सवाब मिलता है। मक्का में हजरे अस्वद है, ये जन्नत से आया है, चूमा जाए गुनाह मिटते हैं। मक्का में सफ़ा मरवा है, साई की जाए सवाब मिलता है। मक्का में जमजम का पानी है, पिया जाए शफा मिलती है। मौला ये मस्जिद अल कासिया के अंदर आने वाले पहलवानों का शहर गुजरा वाला से आने वाले तू इससे पूछना चाहते हैं, मक्का की कस्में इसलिए उठाई कि मक्का में बैतुल्ला है, मक्का में जमजम है, मक्का में हजरे अस्वद है। फरमाया मक्का की कस्में इसलिए उठाई नहीं उठाई, बैतुल्ला है इसलिए नहीं उठाई, जमजम है इसलिए नहीं उठाई, सफा मरवा है इसलिए नहीं उठाई, हजरे अस्वद है। रब्बा बता दे मक्का की कस्में क्यों उठाई, मक्का की गलियों का तज़किरा कुरान किस लिए बनाया। फरमाया ला उक्सिमु बिहादल बलद व अंतहिल्लम बिहादल बलद, इन मक्का की गलियों ने मेरे खातमुन नबीयीन के कदम चूमे। रब का कुरान पढ़ लो, अल्लाह ने किसी नबी की उम्र की कसम नहीं उठाई, लेकिन महबूब की बारी आई, ला अमरों का महबूब तेरी उम्र की कसम, माँ का दूध पी रहे थे उम्र में वो वक्त भी शामिल है, उंगली पकड़ के चल रहे थे वो वक्त भी शामिल है, मक्का में तबलीग कर रहे थे वो वक्त भी शामिल है, बदर में जिहाद कर रहे थे वो वक्त भी शामिल है, उहद में जिहाद कर रहे थे वो वक्त भी शामिल है, और तो तबूक का सफ़र कर रहे थे वो वक्त भी शामिल है, पेट पर पत्थर बांध के जिहाद के लिए खंदक खोद रहे थे वो वक्त भी शामिल है, गारे सौर में थे वो वक्त भी शामिल है, मस्जिद अक्सा में थे वो वक्त भी शामिल है, सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों पे थे वो वक्त भी शामिल है। ला अमरों का तेरी उम्र की कसम, अल्लाहु अकबर, रब ने पैगंबरों से खताब किया, अरे आदम अलैहिस्सलाम की बारी आ गई, या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्ना, या आदम कह के खताब किया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैर साले, नाम लेके खिताब किया, या इब्राहिमो कद सद्दक तर रोया, नाम लेके खिताब किया, या ज़ाकरिया इन्ना नुबश्शिरो का बे गुलामिन निस्महु यहया, नाम लेके खिताब किया, या ईसा या मूसा, नाम लेके खिताब किया। अरे जब सैयदुल कोनैन की बारियाँ आई, खालिक ने अंदाज बदल दिया, गुजरा वाला के जिंदा ज़मीरों मालिक ने असूल बदल दिया, कहीं फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदं व मुबश्शिरं व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजं मुनीरा। ऐ मेरे नबी, आप शाहिद भी हैं, मुबश्शिर भी हैं, नज़ीर भी हैं, दाइये इलल्लाह भी हैं, सिराज मुनीर भी।
अरे कितनी शान अल्लाह ने अता की, व रफाना लक ज़िक्र, तेरे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अजान में ज़िक्र होगा, तकबीर में ज़िक्र होगा, खुतबा जुमा में ज़िक्र होगा, खुतबा निकाह में ज़िक्र होगा। मर के बंदा कब्र में जाएगा, पहला सवाल मन रब्बों का, दूसरा मन नबियों का। शान क्या लेके आए, आने वाला अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया, अम्मी एक बात तो बतला दो, आका का अखलाक क्या है? ऐ पूछने वाले, काना खोलो कोहल कुरान, ये कुरान के 30 पारे मेरे आका का अखलाक हैं। अरे जिनकी नबूवत की बात आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के तज़किरा कुरान बना दिया। जिनकी यतीमी की बात आई, अलम यजिद का यतीमन फावा कह के तज़किरा कुरान बना दिया। जिस आका के ज़माने की बात आई, बल असर कह के तज़किरा कुरान बना दिया। अरे जिनके हाथों की बात आई, वमा रमैता इज़ रमैता कह के तज़किरा कुरान बना दिया। जिनके होंठों की बात आई, ला तुहर्रक कह के तज़किरा कुरान बना दिया। अरे जिनके सीने की बात आई, अलम नशरा कह के तज़किरा कुरान बना दिया। जिनके बदर की बात आई, इस तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम कह के तज़किरा कुरान बना दिया। ओहद की बात आई, वला ताहनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मोमिनीन कह के तज़किरा कुरान बना दिया। गार में गए, सानिये यस्नैन इज़हुमा फिल गार कह के तज़किरा कुरान बना दिया। सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों पे गए, तज़किरा कुरान बना दिया। आका ने तहज्जुद पढ़ी, मालिक ने तज़किरा कुरान बना दिया। इशराक पढ़ी, मालिक ने तज़किरा कुरान बना दिया। तिलावत की, तज़किरा कुरान बना दिया। सखावत की, तज़किरा कुरान बना दिया। अरे जिनके बारे में खालिक के अर्ज़ो समा ने ऐलान फरमा दिया, अरे मूसा कलीमुल्ला अल्लाहु अकबर दुआ कर रहे हैं, रब्बे शराली सदरी, इधर ऐलान हो रहा है अलम नशरालक सदर, इब्राहिम खलीलुल्ला दुआ कर रहे हैं, अल रब्बना तकब्बल मिन्ना, इधर जिब्राइल आ रहे हैं, फला नुवल्ली यन्ना का किबलतन तर्ज़ाहा, महबूब तेरे उठे चेहरे की लाज रखे, तेरे रब ने किबला बदल दिया। मैं कल हाल गैर मुस्लिम किताब लिखता है, दुनिया की 100 अजीम शख्सियात टॉप ऑफ लिस्ट नाम लिखता है, सैयदुल कुनैन का लिखता है। अरे जिनके बारे में हालत कुफर में अबू सुफियान ने कहा था, मैंने आज तक आमना के लाल की जबान से झूठ नहीं सुना, अबू जहल कहता था मुझे दावत से इख्तलाफ है, इनकी जात से इख्तलाफ नहीं, ये तो सादिक के अमीन हैं। एक हिंदू बोला, बचश्मे ज़िया अर जमाल मोहम्मद, बकलबम गिनाज ख्याल मोहम्मद, मिसाल मोहम्मद च जोई जोई, नयाबी नयाबी मिसाल मोहम्मद। अरे जिनकी जात कायनात में इतनी आला है, मिशकात की हदीस शरीफ मस्जिद कासिया में पेश करने लगा हूँ। अबू ज़र ग़फ़ारी आए रज़ी अल्लाह तआला आका अपनी नबूवत को कैसे पहचाना। अबू ज़र में मक्के में था, आसमान से दो फरिश्ते आए, एक ज़मीन पे आ गया, एक दरमियान में ठहर गया। ज़मीन पे आने वाले ने पूछा, क्या यही मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बताया गया, यही मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, खातमुन नबीयीन हैं, रहमतुल्लिल आलमीन हैं। तराजू लग गया, मेरा 2 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला, फिर 10 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला, फिर 100 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला, फिर 1000 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला। फिर एक फरिश्ते ने बोल के दूसरे को कहा, अगर एक पलड़े में खालिक के कायनात की सारी मखलूक का बिठा दिया जाए, मखलूक में अंबिया भी, औलिया भी, अतकिया भी, शोहदा भी, सोलहा भी, एक पलड़े में कायनात सारी हो, अल्लाह की पूरी मखलूक हो, दूसरे पलड़े में आमना का लाल हो, आमना के लाल वाला पलड़ा झुक जाएगा, और गुजरांवाला के जिंदा ज़मीरों। एक बार रहमतुल्लाह अलैह मोहब्बत में बोले कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सईदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दें वो सईदे तलाश कर, ईमान तेरा लुट गया राहजन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर, करे सवार ऊँट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आग का तलाश कर। अल्लाह ने बाकी पैगंबरों को भी मोइज़ात दिए, जो किताबें दी वो बदल गई, कुरान ऐसा मोइज़ा है, ना बदला है, ना कुरान क़यामत तक बदलेगा। कहने वाले ने कहा, सलातीन आलम अपनी जगह पर, और गुजरांवाला के जिंदा ज़मीरों, किसी ने खूब कहा, सलातीन आलम अपनी जगह पर, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह पर, बदलती
चलती रही आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह। अरे ये शान अल्लाह ने अता की है, इतना पाकीज़ा अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया है। अरे आज कायनात के पसीने से बदबू आती है, सैयदुल कौनैन के पसीने से खुशबू आती थी, इतना बाबरकत अल्लाह ने आपको बनाया है। जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, एक दिन मैंने जहर की नमाज आका के पीछे पढ़ी, मेरे आका ने नमाज पढ़ाई, आका चल पड़े, मैं भी पीछे चल दिया। गली में बच्चे खेल रहे थे, मेरे आका ने उन बच्चों को उठाया, मुबारक से लगाया, अपने मुबारक हाथ उनके चेहरे पे फेरे। जब मैंने ये मंजर देखा, हदीस सही मुस्लिम, मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, काश आज जाबर को भी आका अपने सीने से लगा लेते, अपने मुबारक हाथ मेरे चेहरे पे फेर देते। आका अब बच्चों से फार हुए, आगे बढ़े, मुझे अलम नशरा वाले सीने से लगा लिया, अपने मुबारक हाथ उठाए मेरे चेहरे पर फेर दिए। लोगों, जाबर रजी अल्लाह तआला का बयान है, जब सैयदुल कौनैन ने अपने बरकत हाथ मेरे चेहरे पे फेर दिए, मैं उसके बाद जब तक जमीन के ऊपर जिंदा रहा, आसमान की छत तले जिंदा रहा, सारी जिंदगी अपने चेहरे पे ठंडक भी पाई, खुशबू भी पाई, जैसे मेरे आका ने आज खुशबू के डब्बे से हाथ निकाल के मेरे चेहरे पे फेर दिए। अरे जो कायनात को इज्जत देने आए, औरतों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, आका आए, फरमाए औरत माँ की शक्ल में आ जाए, कदमों के नीचे जन्नत है, औरत बेटी की शक्ल में आ जाए, दो उंगलियां उठा के फरमाया, जिसको अल्लाह ने दो बेटियां दी कफालत की, जन्नत में मेरे साथ होगा, बीवी की शक्ल में आ जाए, खैरुकुम खैरुकुम ले आलही, आना खैरुकुम ले आलही, तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। अल्लाहु अकबर। जानवरों के हकूक उम्मत को बताए, छुरी को जानवर के सामने तेज ना करना, उसे तकलीफ होगी, जो कितना प्यार और शफकत लेके आए। रात को सोने लगो उम्मतियों, घर का चिराग बुझा दिया करो, ऐसा ना हो चिराग जलता रहे, मेरे उम्मती का घर जल जाए। बिस्तर झाड़ के बिछाया करो, कोई मूजी चीज तुम्हारे बिस्तर में ना हो, तुम्हें काट न ले, तुम्हें काटेगी तुम्हें तकलीफ होगी। अरे तुम्हें तकलीफ होगी, मैं मोहम्मद को तकलीफ होगी। अरे जो उम्मत के लिए गारों में जाकर रोए, उम्मत की बख्शिश के लिए इतने रोए, सही मुस्लिम हदीस पाक है, एक दफ़ा आका ने उम्मत की बख्शिश के लिए इतनी दुआएँ की, महबूब रब्बुल आलमीन की आँखों से आंसू बह रहे हैं। हमारा अकीदा है जो पत्ता ज़मीन पर नहीं गिरा, खालिक के इल्म में है, फुलां दरख्त का फुलां पत्ता गिर जाएगा, जो इंसान ने नहीं सोचा, मालिक के इल्म में है, मेरा बंदा क्या सोचेगा। इतना इल्म होने के बावजूद खालिक कायनात ने जिब्राईल अमीन को भेजा, मेरा महबूब रो रहा है, पूछ क्या मायूब की का रोते क्यों हो, खालिक क्यों भेज रहे हैं, मालिक को तो पता है ये अल्लाह के अपने लाडले रसूल से मोहब्बत है। जिब्राईल अमीन आ गए, महबूब आप क्यों रोते हो, फरमाए उम्मत के दर्द में रो रहा हूँ, जाके रब को बताया, मौला तेरा महबूब उम्मत के दर्द में रो रहा है। हदीस से सही मुस्लिम, खालिक ने क्या फरमाया, या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मदिन फकुल इन्ना सनुर्ज़ी कफी उम्मतिका वला नसूका वला सौफ योतीका रब्बुका फतरज़ा। ऐ उम्मत के दर्द में रोने वाले लाडले, रोते क्यों हो, जरा क़ियामत होने दे, तेरा रब तुझे राजी करेगा नाराज नहीं करेगा। लोगों, क़ियामत का दिन होगा, सूरज एक मील या सवा मील के फासले पे होगा, लोग सफारशी तलाश करेंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, जवाब मिल जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, जवाब मिल जाएगा, खलीलुल्लाह कलीमुल्लाह जवाब दे देंगे, आना लहा मैं मोहम्मद तो सीने से लगाऊंगा। आका का फरमान है, हर नबी के लिए दुनिया में एक स्पेशल दुआ होती है, हर नबी रसूल ने दुनिया में मांग ली, मैंने वो दुआ क़यामत के दिन उम्मत के लिए बचा ली। आप उठेंगे, मालिक की बारगाह में सजदे में सर रख देंगे, खालिक के अर्ज़ो समा की अज़मत और बड़ाइयों की बरियाई बयान करेंगे, खालिक फरमाएंगे इरफा रासक, ऐ मेरे लाडले सर उठा, सल तूता तू मांगता जा, मैं देता जाऊं, रब्बे उम्मती, अल्लाह उम्मत को माफ़ कर दे, उम्मत को माफ़ कर दे। ओ लोगों सुनो, जब तक उम्मती भी सारी कायनात से बढ़ के सैयदुल कुरैन से प्यार न करे, मुसलमान नहीं। मोहब्बत रसूल पे शानदार खताब मेरा फाजल भाई फरमा रहे थे, और ये इनकी मोहब्बत है, ऑपरेशन हुआ है, बीमार हैं, उसके बावजूद मेरी हौसला अफजाई के लिए बैठ के गुफ्तगू सुन रहे हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। मैं बात कर रहा हूँ सैयदुल कौनैन की मोहब्बत की, उर्वा बिन मसूद सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जब हुदैबिया के मौके पर मुशरकिन के सफ़ीर बन के आए थे, सहाबा का प्यार देखा, निगाहें उठा के अदब की वजह से महबूब के
चेहरे की तरफ नहीं देखते, ऊंची आवाज में नहीं बोलते। खालिक ने कुरान में फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़ु असवातकुम फौका सौति नबी, मेरे महबूब मौजूद हूँ, ऊंची आवाज में नहीं बोलना, बोलोगे तो अमल गारत कर दूंगा। अरे वजू का पानी आपस में तकसीम करते हैं, थूक जमीन पे गिरने नहीं देते, कोई बाल गिरते हैं उठा लेते हैं। अल्लाह अकबर, ये प्यार देखा। मक्का के वडेरों को क्या कहा, मैं कैसर किसरा के दरबारों में गया हूँ, वो प्यार करते नहीं देखा जो आमना के लाल के यारों को देखा है। कहे उर्वा सकफी कुरैशा नु जाके, मैं शाहां दे शाही दरबारा नु डिठा, पर दुनिया में चेंज दी मिसाल ही नहीं मिलती, जिवें मैं मुहम्मद यारा नु डिठा। वजू कतरे गिरदे ते बज बज के चावन, मोहब्बत ही मलदियां रुखसारा ते डिठा। जब उर्वा बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अभी मुसलमान हुए थे, बात कर रहे थे, और इनका हाथ सैयदुल कुनैन की दाढ़ी को लग गया। मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला ने तलवार का दस्ता मारा, हाथ पीछे कर तू काफिर है, ये मेरे आका की पाक दाढ़ी है। अल्लाह की कसम, इस अंदाज से उन्होंने सैयदुल कुनैन का दिफा किया, गर्दनों के लहू पेश कर दिए, जाने पेश कर दी, बेटे पेश कर दिए, एक इशारे पर सबको लुटा दिया। कहीं साद बिन अभी वकास रज़ी अल्लाह तआला मैदान उहद में दुश्मनाने रसूल पे तीर चला रहे हैं, आका का दिफा कर रहे हैं, अल्लाह के हबीब इतने खुश हुए, इर्मी या सादो फिदा का अभी व उम्मी, ए साद दुश्मनों पे तीर चलाओ, मैं मोहम्मद के माँ बाप तुझ पे कुर्बान। किस कदर उन्होंने दिफाए रसूल किया। वहाब बिन काबूस हैं रजी अल्लाह तआला देहात से आए हैं, बकरियां छोड़ के मदीने वालों से पूछते हैं, मैं अल्लाह के हबीब के दीदार के लिए आया हूं। इस नौजवान को बताया गया, आका मैदान उहद में चले गए जिहाद के लिए, ये मैदान में पहुंच गया, मैदान का नक्शा क्या देखा, दुश्मनों का एक गिरोह है हमला करते हुए सैयदुल कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे हैं, आका को शहीद करना चाहते हैं। इमाम में कायनात ने ऐलान किया, कौन है जो मुझ पे हमला करने वालों को रोक देगा, मैं मोहम्मद जन्नत की गारंटी देता हूँ। जब जन्नत की गारंटी दी, ये वहाब बिन काबूस रज़ी अल्लाह तआला तलवार लेके दुश्मनाने रसूल पे टूट पड़े, एक एक गुस्ताख को कत्ल करते शहादत पा गए। इसकी शहादत के बाद इसके सराहने सैयदुल कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, रब्बा ये देहात से बकरियाँ छोड़ के आने वाला जो तेरे पैगंबर की इज्जत और हुर्मत पे कट गया, मैं जमीन पे राजी हूँ, तू अर्श पे राजी हो जा। वहाब बिन काबूस रज़ी अल्लाह तआला नमू से रिसालत पे कट के उम्मत को पैगाम दे गए, ये तुम्हारा नारा नहीं ईमान है, अकीदा है कि हुर्मत रसूल पर जान भी। आज ये इसी बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें बदर में लेके चलूं। इस्लाम के लश्कर में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला खड़े हैं, दूसरी तरफ इनका बेटा अब्दुर्रहमान खड़ा है, बदर के बाद मुसलमान हो गया। कहता है अबू बदर के मैदान में आप मेरी तलवार के नीचे आ रहे थे, बाप समझ के छोड़ दिया, ऐ मेरे बेटे अगर मेरी तलवार के नीचे आ जाता तुझे बेटा समझ के न छोड़ता। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन समझ के टुकड़े कर देता, कायनात को बताता ये नारा नहीं ईमान व अकीदा है कि हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। अल्लाह अकबर। कहीं ज़ियाद बिन सकन है रज़ी अल्लाह तआला, जंगे उहद है, नौजवान के हाथ में तलवार है, यूं तलवार पकड़ के इमाम कायनात की चौखट का पहरा दे रहे हैं, काफिर वार करते हैं। ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह तआला 72 जख्म खा के खून में लथपथ होके ज़मीन पे गिर गए। अली और तलहा आए इलाज के लिए लेके जा रहे हैं, रास्ते में होश आ गया अली और तलहा, ज़ियाद को कहाँ लेके जा रहे हो, कहते हैं 72 जख्म है, इलाज के लिए लेके जा रहे हैं, मुझे इलाज के लिए लेके ना जाओ, मैंने अल्लाह के हबीब से वादा किया था, अहद किया था, महबूब जब तक एक सांस होगा खून के कतरा होगा, ज़ियाद बिन सकन आपकी चौखट का पहरा देगा, इलाज नहीं करवाना चाहता, आका की चौखट का पहरा देना चाहता हूँ। वे फिर वापस खेमे पर लाया गया, 72 जख्म है, खून में लथपथ है, हाथ में तलवार पकड़ी, चौखट का सहारा
सहारा लिया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे का पहरा दे रहे हैं। फिर काफिर तीरो तलवार की बुछार करते हैं, 92 जख्म खा के ज़ियाद बिन सकर रजी अल्लाह तआला लहू लहू के खून में लथपथ हो के जमीन पे गिर गए। जब गिरे इनकी चीख की आवाज़ सुन के आका खेमे से बाहर आ गए, अहले गुजरा वाला अब मंजर क्या है, सैयदुल कौनैन की गोद में आका की इज्जत और नमूस के लिए 92 जख्म खाने वाले ज़ियाद बिन सकन हैं। सैयदुल कौनैन ने क्या देखा, आज इसकी आंखें भी जख्मी हैं, अपने बाबरकत हाथ ज़ियाद बिन सकन रजी अल्लाह तआला की दोनों आंखों पर रख दिए। ज़ियाद चीखे मार के रोने लगे, महबूब आंखों को बंद ना कीजिए, एक ही ख्वाहिश है, शहादत पाने वाला हूँ, आखिरी सांस ले रहा हूँ, रब के पास जाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ जब मेरी रूह परवाज करे, मेरी नजरें सैयदुल कौनैन के चेहरे पे हों, मेरा रब पूछे ज़ियाद दुनिया से किस हाल में मेरे पास आया है। रब्बा जब फरिश्तों जब मेरी रूह कब्ज़ हो रही थी, मेरी नजरें तेरे महबूब के चेहरे पे थी, अर्श वाला ऐलान कर दे ज़ियाद मुझे दिफाए रसूल के लिए तेरी शहादत इतनी पसंद आई है, मेरी फिरदौस में चला जा, मैंने तेरे ऊपर जन्नत वाजिब कर दी है। ज़ियाद बिन सकन रजी अल्लाह तआला नामूस रिसालत पे कट के उम्मत को पैगाम दे गए, ये तुम्हारा नारा नहीं ईमान व अकीदा है कि हुर्मत रसूल पर को नौजवान लाओ ना नारा मैं बात कर रहा था कुर्बानियों की। हमारा रज़ी अल्लाह तआला जंगे उहद है, खून में लथपथ पड़े हैं, आका पास से गुजरे हैं, ऐ मेरे प्यारे हमारा तेरा क्या हाल है, हाथ भी जख्मी हैं, सर से खून बह रहे, टांगें खून से रंगीन है, जिंदगी का आखिरी सांस ले रहे हैं। जख्मी हालत में जिस्म की ताकत को जमा किया, सर अपना इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया। अल्लाह के महबूब की ख्वाहिश है जब मेरी रूह परवाज करे आपके कदमों में जान निकल जाए। शायर ने यूं नक्शा खींचा, गुलिस्तान में जाके हर एक गुल को देखा, न तेरी सिरंगत न तेरी सुबू है, निकल जाए जहाँ तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरजू है। कहीं साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला जंगे उहद में खून में लथपथ पड़े हैं, 70 के करीब तीरों तलवारों के निशानात इनके जिस्म पे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद को भेजा, जैद मैदान में चला जा, आज अगर तुझे साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला जिंदा हालत में मिल जाए मेरा सलाम पहुंचाना और पूछना साद इमाम कायनात पूछ रहे तेरा क्या हाल है। क्या जवाब दिया, आज मैदान जिहाद में जख्म खा के खाल के कायनात की जन्नत की खुशबू पा रहा हूँ, और जैद मेरी कौम अंसार को मेरी ज़िंदगी का आखिरी पैगाम दे देना। पैगाम कब दिया, जब जिंदगी का आखिरी सांस ले रहे थे साद बिन रबी। पैगाम कब दिया, जब 70 के करीब तीरों तलवारों के निशानात थे। पैगाम कब दिया, जब आखिरी सांस ले रहे थे। पैगाम कब दिया, जब शहादत पाने वाले थे। मेरी कौम को कह देना अगर तुम्हारी जिंदगियों में दुश्मन इमाम कायनात तक पहुँच गए, सैयदुल कौनैन को दुनिया में कोई चोट आ गई कोई जरब आ गई, क़यामत के दिन तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। ये अल्फाज कह के शहादत पा के उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिदाई जवाब दे गया, ये तुम्हारा नारा नहीं ईमान व अकीदा है कि हुर्मत रसूल पर। अरे कहीं हबीब बिन जैद रजी अल्लाह तआला खत्म नबूवत का पैगाम लेके मुसैलमा कज़्ज़ाब नबूवत का झूठे दावेदार उसके पास पहुँचे। मुसैलमा ने कहा क्या मुझे हबीब बिन जैद तो अल्लाह का नबी रसूल मानता है। फरमाने लगे मेरे कान तेरी बात नहीं सुनते, आमना के लाल के बारे में तेरा क्या ख्याल है। बोल उठे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुह।
رسول ہو، وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ جب نوکروں کو کہا نبی کے محمد کے یار کو پکڑ لو، جوڑ جوڑ کاٹتے چلے جاؤ، اگر مجھے نبی رسول مان لے اس کو چھوڑ دینا، آمنہ کے لال کی نبوت کی گواہی دے ٹکڑے کر دینا، اور مسلمہ قذاب کے جلادوں نے دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی کاٹی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، دوسری انگلی کاٹی، پانچوں انگلیاں کاٹ دی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، پورا بازو کاٹ دیا، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، دوسرا ہاتھ پکڑ لیا، ساری انگلیاں کٹ گئی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، بازو کٹ گیا، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، دائیں ٹانگ پوری کاٹ دی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، دوسری ٹانگ کاٹ دی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے۔ بات مختصر، جسم کا جوڑ جوڑ کٹ گیا، جب تک زندہ رہے آقا کی نبوت کی گواہی دیتے رہے، یہی تو تھے جن کی استقامت کا تذکرہ، دفاع رسول کے لیے کٹنا، رب کی محبت میں کٹنا خالق کو اتنا پسند آیا، کتاب اللہ میں اعلان کر دیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اس بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، جیل کی سلاخوں کو رب کی محبت میں چوم لیتے ہیں، پھانسی کے پھندوں پہ رب کی محبت میں لٹک جاتے ہیں، اپنی اولادوں کو رب رسول کی محبت میں قربان کر دیتے ہیں، اپنی بیویوں کی قربانی دے دیتے ہیں، سولیوں پہ لٹک جاتے ہیں۔ تاتا نزلو علیہم الملائکہ، خالق جبرائیل کو کہتے ہیں میرا پیغام لے جا، اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون، گھبرانا نہیں، ادھر دین متین کے لیے کٹ جاؤ گے، ادھر فردوس میں چلی جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے قرآن انہیں شہادت کا پیغام دے رہا ہے، اور لوگوں سنو، جو رب رسول کے نام پہ کٹتے ہیں رب مقام کیا دیتا ہے، خالق مقام کیا دیتے ہیں۔ جابر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا باپ اللہ کی راہ میں کٹ گیا، قرض چھوڑ کے گئے، فرمایا جابر پریشان نہ ہو، تیرا باپ رب رسول کی محبت میں اللہ کے دین کے لیے کٹ گیا۔ اللہ اکبر، جب سے اللہ نے کائنات بنائی، جس سے بات کی ہے، پردے کی اوٹ میں کی ہے، تیرے باپ کی شہادت اتنی پسند آئی، سارے پردے ہٹا کے پوچھا، اور میری محبت میں کٹنے والے عبداللہ تجھے کیا چاہیے؟ تیرے باپ نے عرض کی، ربا روح جسم کی طرف لوٹا دے، فرمایا میرا یہ قانون نہیں مولا، یہ دودھ شہد کی نہریں، حوروں کا جرمٹ، اپنا دیدار، جنت میں شہادت کے بعد ان نعمتوں سے نواز دیا، دنیا والوں کو پیغام دے دے، اب شہداء اسلام کا پیغام، پہلوانوں کے شہر گجرا والے والوں پیغام قرآن بن کے آ رہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو میرے نام پہ کٹ جائیں ان کے لیے لفظ میت استعمال نہ کرنا، ربا بندہ شہید ہی اس وقت ہوتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورت بیوہ ہو جاتی ہے، فرمایا فارحین پہلے دنیا میں زندہ تھے، عند ربہم یرزقون، اب اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں۔ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، مجھے یاد آئے وہ کراچی سے خیبر تک ایک ہی پیغام دیا کرتے تھے، میں تن وار دیواں، میں من وار دیواں، مدینے دے چنتوں میں چن وار دیواں، میں اولاد بھینا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگتوں میں جگ وار دیواں، او دی جتی اتو میں پگ وار دیواں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کہیں حضرت علامہ شہید چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، بارش برسنا شروع ہوئی، فرمایا چند نوجوان کھڑے ہو جائیں، بانسوں کو تھام لیں، فرمایا ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی نموس کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ کہیں حضرت سیف اللہ منصور یہ پیغام دیتے دیتے رب کے پاس چلے گئے، کہیں حضرت بٹالوی رحمت اللہ علیہ یہی
यही पैगाम दे गए, कहीं मौला अमरतसरी रहमतुल्लाह अलैह यही पैगाम दे गए, कहीं हजरत सल्फी इस्माइल यही पैगाम दे गए, अल्लाह की कसम कहीं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक यही पैगाम दे गए, कहीं शेख जमीलुर रहमान यही पैगाम दे गए, और लोगों कहीं पे सफियुर रहमान मुबारकपुरी सर रही कुल मखतूम लिख के यही पैगाम दे गए, कहीं पे मौला अमीर हमजा रवैये मेरे हजूर के लिख के यही पैगाम दे गए, कहीं पे अल्लाह अकबर इब्ने तैमिया तेरी कब्र पर अब करोड़ों रहमतें नाजल करे रहमतुल्लाह अलैह, और दुनिया में सबसे बड़ी किताब लिख गए असारे मुल मसलूल अला शातम रसूल, जो सैयदुल कोनैन का गुस्ताख है वो वाजिबुल कत्ल है, अल्लाह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजल करे। हारून और रशीद ने पूछा कि एक शख्स दुनिया में इमाम कायनात की तोहीन करता है, अगर कोड़े मार के छोड़ दिया जाए ये कैसा है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा सुर्ख हो गया कि आका के गुस्ताख को कोड़े मार के छोड़ दिया जाए, वो जमीन की पुश्त पे चले, इससे बेहतर है कलमा पढ़ने वाली सारी उम्मत मर जाए, गुस्ताख को देख ना सके, कहीं कुरान को आग लगाई कहीं सैयदुल कौनैन के खाक के बनाए, अल्लाह की कसम नामूसे रिसालत के लिए, और जिन्होंने सब को लुटा दिया था खालिक ने उनको जमीन पे इतना प्रोटोकॉल दिया, जब साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला यहूदियों से लड़ते हुए दिफाए आका करते हुए दिफाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हुए शहादत पा गए, सहाबा मैयत लेके जा रहे हैं, अर्ज करते हैं महबूब साद बिन मुआज की मैयत का वजन कम हो गया, रब के हुक्म से फरमाया कि साद बिन मुआज की मैयत का वजन इसलिए कम हुआ है इसकी मैयत को आसमान के फरिश्तों ने आके कंधे दिए हुए, फरमाया जब रूह परवास कर गई खालिक ने जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए, अल्लज़ी तहर्रक लहुल अर्श साद बिन मुआज की शहादत पे रब का अर्श शरकत में आ गया, नमाज जनाजा में 70,000 फरिश्ते आए, इसलिए इकबार रहमतुल्लाह अलैह बोले वो हैं ऐवान फलक बोस के दरबानों में, वो हैं ऐवान फलक बोस के दरबानों में, मैं हूँ खत्म नबूवत के निगेबानों में, दोस्तों आओ आमना के लाल पे निछावर कर दें, तार जितने भी बकाया हैं गिरे बानों में, शातमे सैयदुल कौनैन का खून जायज़ है, आज तक यही जज्बा है मुसलमानों में, बादशाहों से कसीदों की तवक्को न करें, मैं हूँ दरबार रिसालत के सनाखानों, आओ एक तेरी ये तारीख भी है, रोम के ईसाइयों ने अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला उनके रफ़का को पकड़ लिया, ईसाई बादशाह के पास पहुंचा दिया, बादशाह ने लश्कर के अमीर अब्दुल्लाह को बुलाया, हजरात इस बार मजबूरियां बन जाती हैं, अगर शेर पंजाब किसी मजबूरी के पेश नज़र ना आ सके इंशाअल्लाह आज गुजरांवाला किस मस्जिद में नामूस रिसालत के हवाले से आपकी झोलियों में अल्लाह की तौफीक से मैं मोती डाल के जाऊंगा, जो चुन चुन के लाया हूं। अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला इनके साथियों को रूम के ईसाइयों ने पकड़ लिया, ईसाई बादशाह के पास पहुंचा दिया, बादशाह ने काफिला के अमीर अब्दुल्लाह को बुलाया, अब्दुल्लाह बेटी का रिश्ता दूंगा, हकूमत में शरीक कर लूंगा, एक मुतालबा है खत्म नबूवत का इनकार कर दे, ईसाई बन जा, छम छम रोने लगे, आसमान की जानब चेहरा किया, अल्लाह तेरा बंदा अब्दुल्लाह इतना गया गुजरा तो नहीं, इसे इक्तदार का बेटी के रिश्ते का लालच दिया जाए, ये रब रसूल से बेवफाई करे, इनकार कर दिया, अब्दुल्लाह आसमान की छत तले जमीन की पुश्त पे कट सकता है, इसका जिस्म बिखर सकता है लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पे रब रसूल से बेवफाई नहीं कर सकता। बादशाह ने नौकरों को कहा पीतल की देग में तेल गर्म करके लाओ, तेल गर्म किया गया,
गया, लाया गया। एक कैदी जो अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला का साथी था, ईसाई बादशाह कहता है अब्दुल्ला की नज़रों के सामने इसके फलां साथी को उठाओ, गरम तेल देग में डाल के जला दो। सहाबी रसूल को उठाया गया, गरम तेल देग में डाल दिया गया, हड्डियाँ चमकने लगी। ईसाई बादशाह कहते हैं अब्दुल्ला अभी वक्त है आमना के लाल की नबूवत का इनकार कर दे, ईसाइयत को कबूल कर ले, वरना तुझे भी तेरे साथी की तरह गरम तेल देग में डाल के जला दिया जाएगा। सो टीपू ने क्या खूब कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। अलामा एहसान इलाही ज़हीर फरमाया करते थे कौमों को बुज़दिलियाँ नहीं बहादुरियाँ बचाती हैं। अल्लाह की कसम सलाहुद्दीन अयूबी ने गुस्ताखे पैगंबर की गर्दन को काटा था, आज भी उनका नाम सुन के आँखों से आंसू बह जाते हैं। अरे लाहौर की सरजमीन थी, राजपाल हिंदू ने तोहीन की थी, मिस्त्री के बेटे ने गुस्ताखे पैगंबर को खंजरों से वार करके कत्ल किया। मियाँ वाली की जेल में थे, इसके मुकदमे के गवाह मोहम्मद अली जनाब बानी पाकिस्तान बने, इलम दीन के पास आए, इनकार कर दे मैंने राजपाल को कत्ल नहीं किया, आंखों से आंसू बहने लगे। इलम दीन बड़ा गुनाहगार है, जिंदगी में एक ही नेकी की है, नबी अलैहिस्सलाम की नामूस का दिफा किया है, गुस्ताखे पैगंबर को टुकड़े किया है, इनकार करके नेकी बर्बाद नहीं करना चाहता। आका की नामूस पे कट गए, जो अल्लाह के दीन पे कटते हैं रब कितना प्रोटोकॉल देते हैं। लाहौर की सरजमीन थी, शहीद हुरमत रसूल की मैयत जारी थी, अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू बह रहे थे, ये मिस्त्री का बेटा नहीं जन्नत की 72 हूरों का दुल्हा जा रहा। इनकार कर दिया, मैं रब रसूल को नहीं छोड़ सकता। बादशाह कहते अब्दुल्ला को उठाओ, गरम तेल देग में डाल दो। जब बादशाह के नौकरों ने गरम तेल और देग में डालने के लिए अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला को उठाया, ईसाई बादशाह ने क्या देखा, आमना के लाल की फिदाई की आंखों से आंसू बह रहे हैं। नौकरों रुक जाओ, इसको गरम तेल देग में न डालना, ये तो डर गया है, आज कंप्रोमाइज़ के लिए ईसाई बनने के लिए तैयार हो गया है। इमाम कायनात के फिदाई जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जवाब क्या दिया, ऐ ईसाई बादशाह तूने गलत समझा है, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आज गरम तेल और देग में डाल दिया जाऊंगा, मैं तो इसलिए रो रहा हूं अब्दुल्ला तेरी एक जान है जो नबी अलैहिस्सलाम की नामूस पे कुर्बान हो रही है, का जिस रब ने पैदा किया है जिस्म पे जितने बाल उगाए इतनी जाने देता, एक एक करके आका पे कुर्बान कर देता। सहाबा ने तो अंगारों पे लेट गए, गर्दने कटा ली। लोगों आओ, नमूसे रिसाल सुनने वालों, आज ये अजम कर लें, आज के बाद अपना चेहरा, अपनी नमाज, अपने बच्चों की तरबियत, घर का माहौल इस्लाम के मुताबिक बनाएंगे। आज कौन है जो हद करता है, आज के बाद कुरान की तिलावत, नमाजों की पाबंदी, बीवी और बेटी को पर्दा, और घर के अंदर तिलावत कुरान की हमारे घरों से आवाज़ आएगी। आज ये अहद करें, फिल्मों और गानों की सीढ़ियों को अपने घरों से निकाल देंगे। दायां हाथ बरकत वाला ऊपर करके वादा कीजिए रब को गवाह बना के नमाजों की पाबंदी करेंगे, फिल्में गाने नहीं सुनेंगे, हाथ नीचे कर लें। यही सैयदुल कौनैन की नामूस से, आपकी हुरमत से उम्मत को पैगाम मिलता है। लोगों सुनो, जिस नोट पर मोहम्मद अली जना बानी पाकिस्तान की मोर न हो, वो उर्दू बाजार गुजरांवाला में और पूरे गुजरांवाला में नहीं चल सकता, और तेरे जिस अमल पे आमना के लाल की मोर नहीं होगी वो अर्श वाले की बारगाह में नहीं चल सकता। और जिनकी जात भी आला, जिनकी बात भी आला, खालिक ने ऐलान कर दिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबेउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मालिक ने ऐलान कर दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू
अतियुल्लाह व अतियुर रसूल। खालिक ने ऐलान कर दिया फइन तनाज़तुम फी शयइन फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल। आज दुनिया का नक्शा देख लो, यहूदी ईसाई हिंदू मुसलमानों को मिटाने के लिए एक हो चुके हैं। ये बाजार की मस्जिद है। मेरे देवबंदी भाई, बरेलवी भाई, अहले हदीस भाई सारे आए हैं, आओ एक हो जाएं। ये जबान की लड़ाइयाँ, ये पश्तो पंजाबी बलोची, ये जट गुजर मुहाजर के झगड़े, ये सुनी वहाबी की बुनियाद पे गोली चलाना, इन चीज़ों को छोड़ दें, एक हो जाएं। रब्बा उम्मत मुस्तफ़ा एक कैसे हो सकती है? उसूल क्या है? मौलाना उस्मानी साहब अल्लाह जाए खैर दे, आ मेरी हौसला अफजाई के लिए बैठे। खालिक ने असूल दिया, फरमाया फ़ैन तनाज़ा तुम फी शय्यन फरुद्दू हो इल्लाह वर रसूल। पूरी उम्मत एक हो सकती है या अर्श वाले की बात पे, रब के कुरान पे, या आमना के लाल के फरमान पे। लोगों आओ, दीन सिर्फ किताब व सुन्नत का नाम है, रब रसूल की इताअत का नाम है। एक हो जाएं, किताब व सुन्नत को मजबूती से थाम लें। यही पैगाम महबूब दुनिया से जाते हुए देखे गए। तरक तो फीकुम अमरैन, मैं मुहम्मद रब के पास जा रहा हूँ, तुम्हें दो चीज़ें देखे, एक किताबुल्लाह, एक सुन्नत रसूलुल्लाह। लोगों कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ो, दीन समझो, हदीस रसूल पढ़ो, सही बुखारी का तर्जमा पढ़ो, दीन सीखो। हमारे गुजरांवाला के आलम दीन हैं मौलाना मोहम्मद मालिक भिंडर, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। जब वो अक्सर हदीस रसूल पढ़ाते हैं ना, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े प्यार से कहते हैं मैंने पढ़ा है काला काला रसूलुल्लाह, मेरे सीने में ठंड पै गई है, मेरे मुँह में खंड पै गई। लोगों आओ, किताब व सुन्नत को थाम लें, मसाजिद से जुड़ जाएं। ये मस्जिद अल कासिया, ये अल्लाह का घर है। यहाँ हमारे शाहिद अमीर भाई, ये दीगर आबाब, इनके साथ मिल जाएं, मस्जिद के खादम बन जाएं, अल्लाह के घरों पे खर्च करने वाले बन जाएं, रात की तन्हाइयों में मालिक के सामने रोने वाले बन जाएं, एक हो जाएं। अगर कतरे हो तो मिल जाओ, कतरे मिलते हैं तो क्या है? बोलो थोड़ा थोड़ा, तुसी भी बोलो, सारा खिताब में कर ले तो नहीं ना कर। कतरे मिलते हैं तो क्या बनता है? जर्रे मिलते हैं तो क्या बनता है? मनफत इस कौम की एक, नुकसान भी एक, एक ही सब का नबी दीन, ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक। फिर कबंदी ये कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? आओ नामू से रिसालत के लिए किताब और सुन्नत पे जमा हो जाएं। अगर कतरे हो तो मिल जाओ, दरिया नजर आए, अगर जर्रे हो तो जम जाओ, सहरा नजर आए, हर नक्श तुम्हारा जमता नजर आए, हर बोल तुम्हारा बाला नजर आए। अल मुस्लिम वखुल अल मुस्लिम, और कुरान अल्लाह का फरमाया वज़कुरु नेमत अल्लाहि अलैकुम, अल्लाह वज़कुरु नेमत अल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैना कुलूबिकुम फअसबातुम बिनेमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन्नार फअन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। दूसरा मकाम यतलु अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुम किताब वल हिकमत। अल्लाह के रसूल ने उम्मत को जोड़ा किताब व हिकमत की बुनियाद पे। लोग आओ जुड़ जाएं, ये अजम कर लें कि हम जब तक जिंदा रहेंगे सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत उर्मत हुरमत का दिफा करते रहे, आका इनामदार की जात का भी दिफा करेंगे, और बोलो और बात का भी दिफा करेंगे,
मुहद्दिसीन बावजू हो के हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाया करते थे। यही मेरा पैगाम, यही दावत। और आखिरी बात करके बात को समेटना चाहता हूँ। मेरा फाजल भाई भी जंगे हुद की उस खातून की बात कर रहे थे जिसका बाप शहीद, बेटे भाई शौहर। आ कहा मुझे रसूलुल्लाह को दिखा दो। आका के चेहरे पे नज़र पड़ी, वो चेहरा, वो शख्सियत जिसके बारे में जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मैं मशरक व मगरब शुमाल व जनूब गया, मैंने आका जैसा देखा नहीं। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं तफसीर इब्ने कसीर के, मिस्र की जिन औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न व जमाल देखा था, उंगलियाँ काट दी थी। आका का हुस्न व जमाल देख लेती, जिगर काट देती। हुस्न व जमाल भी खालिक ने इतना दिया। हसान रज़ियल्लाहु ताला बोले, वह आसन मिन कलम तरकत्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तालिदिन निसाऊ, मेरी आँख ने महबूब जैसा देखा नहीं। हसान की आँख देखे कैसे, किसी माँ ने ऐसा बच्चा कायनात में जना नहीं। खुलक्त मुबर्रम मिन कुल्ले ऐबिन, खालिक ने ऐबों से पाक पैदा किया। अन्ना का कद खुलक्ता का माँ तशाऊ, आपका आपको देखते हैं यूँ लगता है जैसे आप कहते गए अर्श वाला बनाता चला गया। अरे महबूब का चेहरा देखा। हफीज जलंधरी बोले, मैं बात को समेटने लगा हूँ कि चली थी एक ज़ईफ़ा जुस्तजुए हाल करने को, किसी अच्छी खबर का बढ़ के इस्तकबाल करने को। गए थे जंग में उसके बिरादर और शोहर भी, निछावर कर दिए उसने फर्जंदों के गौहर भी। मिले उन सब के रास्ते में शहादत के पैगाम, उसको सुनाते ही सुनाते जा रहे थे खास वाम उसको, मगर उसकी ज़बान पर एक इसमें गिरामी था, उसी का नाम नामी था जो मजलूमों का हामी था। भाइयों का ना बेटों का ना शोहर का ख्याल आया, कैसे हैं रसूलुल्लाह, यही लपे सवाल आया। बताया आका जिंदा हैं, कहा मुझको दिखा दो सूरत काली कमली वाले की, मेरी इन तारीख आंखों पे जरूरत है उजाले की। नजर आया कि हाँ जलवा फगन नूरे तजल्ली है, पुकार उठी कि मेरी अब तसल्ली ही तसल्ली है। कुल्लु मुसीबतन बादक जललू, जब हबीबे किबरिया को देख लिया सारी परेशानियाँ खत्म हो गई। मुझे बताओ क्या नमो से रिसालत के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो, जो उंगली सैयदुल कुनैन के खिलाफ उठे उसे काटने के लिए तैयार हो, जो आंख उठे उसे फोड़ने के लिए तैयार हो, जो कदम उठे उनको तोड़ने के लिए तैयार हो। फिर मेरे नारे का जवाब दें, बात को समेटना चाहता हूँ। हुरमत रसूल पर गूंज पड़ जाए, हुरमत रसूल पर, हुरमत रसूल पर, अकीदा खत्मे नबूवत, अकीदा खत्मे नबूवत। वो हैं ऐवान फलक बोस के दरबानों में मैं, वो हैं ऐवान फलक बोस के दरबानों में मैं हूँ ख़त्म नबूवत के निगेबानों में। दोस्तों आओ आमना के लाल पे निछावर कर दे, तार जितने भी बकाया हैं गिरे बानों में। शातम सैयदुल कुनैन का खून जायज़ है, आज तक यही जज्बा है मुसलमानों में। बादशाह मुझसे कसीदों की तवक्को ना करें, मैं हूँ दरबार रिसालत के सनाखानों में। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते इला के बाद दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।